नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। मुद्दे की बात की शुरुआत करते हैं और आज बात सबसे पहले मुलायम परिवार के मेगा मिलन की। जो बीते 5 साल में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। समाजवादी कुनबा फिर से एक होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर शिवपाल यादव और अखिलेश के एक होने का ऐलान हो सकता है और अगर यह ऐलान हो गया तो यूपी के चुनाव का पूरा सिनेरियो बदल सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या शिवपाल सपा में शामिल होंगे या उनकी पार्टी का सपा से गठबंधन होगा या फिर उनकी पार्टी का सपा में विलय होगा। ये रिपोर्ट देखिए। मुलायम परिवार का मेगा मिलन। खत्म होंगी दूरियां, साथ आएंगे चाचा भतीजा। मुलायम के जन्मदिन पर एक होगा समाजवादी कुनबा। मैंने तो कई बार कहा जी, हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में मैंने काम किया है, मैंने कम से कम 10 दशक तो काम किया ही है। अगर कहीं साथ किसी को ले सकते हैं तो कहीं भी पीछे समाजवादी पार्टी नहीं हटेगी, साथ लेगी सभी छोटे दलों। राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना किसी का कोई दुश्मन। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ा सियासी घटनाक्रम होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी परिवार फिर से एक होने जा रहा है। दरअसल शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच सुलह की खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अखिलेश और शिवपाल का मेगा मिलन हो सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में तमाम नए सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और अब संकेत मिल रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में भी मेगा मिलन होगा। माना जा रहा है कि नेताजी के जन्मदिन पर यानी 22 नवंबर को अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं और साथ आने का, साथ चुनाव लड़ने का ऐलान भी तभी होगा। 22 नवंबर को सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है, लेकिन इस बार ये जन्मदिन बहुत खास होने जा रहा है। या यूं कहें, चुनाव से पहले अखिलेश और शिवपाल को साथ लाकर इसे यादगार बनाने की तैयारी हो रही है। जानकारों की माने तो चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश के बीच सब कुछ सेट हो चुका है और बस इंतजार है एक ऐलान का। और ये मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन से बेहतर भला और किस दिन हो सकता है। बड़ों के साथ छोटों को होना चाहिए। अगर चाचा की भतीजे की बात है तो बड़े के साथ चाचा के साथ छोटों को होना चाहिए। देखिए, मैंने तो कई बार कहा जी, हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में मैंने काम किया है, मैंने कम से कम 10 दशक तो काम किया ही है। बड़े दलों से कोई समझौता नहीं करना है। छोटे दल है उत्तर प्रदेश के, कोशिश होगी कि उनको साथ लेकर के चुनाव लड़ें। आज हमारे साथ जो लोग, क्योंकि चुनाव में अभी चुनाव में समय है, पंचायत चुनाव होने जा रहा है। पंचायत चुनाव के बाद आप देखेंगे बहुत सारे छोटे दल भी समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएंगे। अगर कहीं साथ किसी को ले सकते हैं तो कहीं भी पीछे समाजवादी पार्टी नहीं हटेगी, साथ लेगी सभी छोटे दलों को। दरअसल शिवपाल यादव को जितनी जरूरत सपा की है उससे ज्यादा अखिलेश यादव को शिवपाल की, क्योंकि समाजवादी पार्टी को यूपी में मजबूत करने में जितना हाथ मुलायम सिंह यादव का माना जाता है उतना ही पसीना शिवपाल यादव ने भी बहाया था। संगठन में कौन सा मोहरा कहां बैठेगा, किसकी क्या भूमिका होगी, सबका हिसाब किताब शिवपाल के पास होता था। यहां तक कि ग्राउंड पर अलग अलग लेयर में शिवपाल यादव की रणनीति काम करती थी।
उनकी हर समाज के लोगों के बीच अच्छी खासी पैठ थी। संगठन कैसे चलाया जाता है और चुनाव कैसे जीता जाता है, इस मामले में शिवपाल यादव को महारत हासिल मानी जाती है। लेकिन 5 साल से सपा की कमान अखिलेश यादव के पास है, पर संगठन के जोड़ तोड़ में वो अब भी टीपू ही साबित रहे हैं। पारिवारिक कलह के बीच 2017 का चुनाव हारे, उनका परंपरागत यादव वोट भ्रम में रहा कि वोट किसे देना है, और 2019 के चुनाव में कई सीटों पर शिवपाल ने अखिलेश का खेल खराब कर दिया। शिवपाल खुद तो नहीं जीते, लेकिन अखिलेश को भी नहीं जीतने दिया, और अब कहीं ना कहीं सत्ता की दूरी ने अखिलेश और शिवपाल दोनों को ये एहसास करा दिया है कि भाजपा से टक्कर लेनी है तो पुरानी बातों को भुलाना ही होगा। भले ही शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाई, लेकिन ना तो 2017 में ना ही 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का कोई जादू चल पाया। वहीं शिवपाल यादव के अलग होने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी वोटों का काफ़ी नुकसान हुआ, और अब 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ये संकेत मिल रहे हैं कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ आएंगे और एक साथ मंच भी साझा करेंगे। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं कि अखिलेश मास लीडर है, लेकिन हर मास लीडर को एक चाणक्य की जरूरत होती है, और यह चाणक्य उनके चाचा शिवपाल से बेहतर भला और कौन हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शिवपाल यादव की पार्टी का सपा में विलय होगा या गठबंधन, क्योंकि शिवपाल ने पार्टी भले ही अलग बना ली हो, लेकिन वो सपा से अपना मोह नहीं छोड़ पाए हैं। लेकिन साथ ही साथ सवाल उन 4 साल पुरानी बातों के फ्लैशबैक का भी है, जिसे दुनिया ने देखा था। दरअसल भतीजे अखिलेश की पार्टी पर कब्जा करने से चाचा शिवपाल नाराज हो गए थे। मुलायम ने छीना था अखिलेश से पद, तो अखिलेश ने कतरे थे चाचा के पद। ये भी कोई नहीं भूला, जब मुलायम के सामने अखिलेश रोए थे तो शिवपाल ने माइक छीन लिया था। मैंने तो यही समझता था कि आप जो कह रहे हो वो आप दिल से नहीं कह रहे हो, मैं ये समझता रहा कि वही आपने जो कह दिया मैं उसको ऐसे ही टाल देता था बात को। नेताजी हैं, पिताजी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी पार्टी है वो कह सकते हैं, लेकिन उस दिन जो कुछ आपने कहा मुझे बहुत दुख हुआ था उस दिन। और जब रामगोपाल चाचा का फोन आया कि नेताजी ने कहा कि तुम्हें हटा दो वहां प्रदेश अध्यक्ष से, मैंने कहा चाचा एक मिनट मत सोचना, आप हटा देना। और हटने के बाद मैंने केवल इतना कहा कि मुझे चिट्ठी दे देना जिससे मैं हटूंगा। उन्होंने मुझे चिट्ठी दी और मैंने लोक प्रधानमंत्री जी के विभाग छीने, मैंने छीने उनकी विभाग, और मैंने इसलिए छीने क्योंकि 3 घंटे वहां अमर सिंह आपके पास बैठा था। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार में लिखवाया, और ये आशु मलिक ये झूठ है, झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे, मुख्यमंत्री झूठ, मैं नहीं बोलूंगा प्रेस। चुनाव में प्रत्याशियों की 2-2 सूचियां जारी होने से बढ़ा था कंफ्यूजन। मतलब एक फिल्म में जितना भी ड्रामा और सस्पेंस होता है वो सब समाजवादी पार्टी में पिछले 5 सालों में हो चुका है, और अब तमाम घटनाक्रम के बीच ये परिवार हम साथ साथ हैं की तरह हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये हैप्पी एंडिंग क्या मुलायम के जन्मदिन पर होगी, इस पर पूरे देश की नजर होगी, क्योंकि अगर ये हो गए तो यूपी चुनाव का पूरा सिनेरियो ही बदल सकता है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात कांग्रेस के प्रियंका प्रोजेक्ट की, क्योंकि जैसे कोई काम करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट होता है, ठीक वैसे ही प्रियंका यूपी फतेह करने के लिए माइक्रो प्लान तैयार करती है। इस प्लान के तहत यूपी की 103 विधानसभा को 12,000 किलोमीटर की यात्रा से साधा जाएगा और अपने रूठे हुए वोटर को फिर से मनाया जाएगा। लेकिन इस माइक्रो प्लान का एक हिस्सा प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना भी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या प्रियंका चुनाव लड़ेंगे, ये भी अपने आप को सवाल। कांग्रेस का प्रियंका प्रोजेक्ट, यूपी फतेह का माइक्रो प्लान, प्रियंका का सबसे बड़ा ऐलान। 5 दिन के यूपी दौरे से प्रियंका गांधी यूपी का पूरा रोडमैप तैयार कराई हैं।
जहां तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर है, वहीं प्रियंका ने कांग्रेस के लिए 103 विधानसभाओं का माइक्रो प्लान तैयार किया है। प्रियंका की नजर यूपी की उन विधानसभा सीटों पर है जहां कांग्रेस मजबूत है या अभी भी कांग्रेस में जान बाकी है, और इस बची हुई जान में और जान डालने की जिम्मेदारी अब प्रियंका के कंधों पर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की इच्छा है कि आने वाले चुनाव में भाजपा और सीएम योगी के मुकाबले प्रियंका गांधी उम्मीदवार हो। उनका मानना है कि अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ चुनावी जंग आसान होगी बल्कि पार्टी को भी इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रियंका उम्मीदवार होंगी या नहीं, और अगर वो उम्मीदवार होती हैं तो उनका चेहरा पार्टी के लिए कितना जीवनदायिनी साबित होगा। जरा सबसे पहले प्रियंका के माइक्रो प्लान को आपको समझाते हैं। कांग्रेस यूपी में 12,242 किलोमीटर लंबी प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। यात्रा का मकसद 103 विधानसभाओं पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। इस यात्रा के दौरान करीब 750 सभाएं कर लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा। 500 से ज्यादा गांवों से संपर्क होगा। इस दौरान कांग्रेसी नेता जहां भी जाएंगे वहां के प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे, साथ ही विभिन्न जाति वर्ग के लोगों के साथ सामूहिक भोज रात्रि भोज के कार्यक्रम होंगे। पार्टी की कोशिश है कि जिस गांव में समुदायों के साथ भोजन होगा उस गांव के कम से कम 50 घरों में व्यक्तिगत संपर्क किया जाएगा। इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान पार्टी के नेता उस क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिरों दरगाहों पर भी जाएंगे, मतलब सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ साथ मुस्लिमों को साधा जाएगा। पार्टी ने तय किया है कि किसी भी कार्यक्रम से पहले उम्मीदवार को 50 वॉलंटियर लगाने होंगे जो विधानसभा क्षेत्र के 50 गांव में 3 दिन तक रहेंगे। ये लोग जहां इन 3 दिनों में 7,500 परिवारों से जुड़ेंगे, इन सभी का पंजीकरण कराकर कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। और इसी तरह पार्टी स्टार से जिला और ब्लॉक कमेटी और फ्रंटल संगठन 50 कार्यकर्ताओं को 30 गांव में भेजकर 4,500 परिवारों को जोड़ेंगे। इसके अलावा मोटरसाइकिल रैलियां भी निकाली जाएंगी जिनकी जिम्मेदारी युवा कांग्रेस और NSUI पर होगी। वहीं सबके बीच प्रियंका को यूपी में कांग्रेस का चेहरा बनाए जाने को लेकर चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस के कई नेता चाहते हैं कि प्रियंका खुद भी चुनाव लड़े। कुछ नेताओं की इच्छा है कि प्रियंका रायबरेली से ही चुनाव लड़े। इससे न सिर्फ कांग्रेस का आखिरी किला मजबूत होगा बल्कि लोगों में बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन भाजपा प्रियंका के चुनाव लड़ने पर चुटकी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री के फेस अपने भाई को बनाई हुई थी और अमेठी से हार करके गए हैं, और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी ही उस चुनाव की बागडोर संभाली थी। प्रियंका जी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से, मैं जो जानता हूं, उनके पास फोटो खिंचाने वाले नेता हैं, बाकी कुछ नहीं। मिशन 2022 को लेकर प्रियंका गांधी ने अपनी टीम के साथ माइक्रो प्लानिंग तैयार कर ली है, और इसी के तहत कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में जो कांग्रेसी नेता शामिल होंगे वो गांव-गांव लोगों के घर घर जाकर व्यक्तिगत संवाद स्थापित करेंगे। उस क्षेत्र के जो भी प्रभावशाली लोग हैं, जो भी वहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे भी वो व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रियंका 5 दिन तक जो पसीना बहाकर आई हैं उसका असर जमीन पर हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस में मची खींचतान प्रियंका के सामने खुलकर आई है। मतलब प्रियंका को कांग्रेस को तो मजबूत करना ही है, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में भरोसा जगाना है कि वो उसे गुजरा हुआ जमाना ना समझे। राजनीति में हवा बदलती देर नहीं लगती। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात राम के धाम से चुनावी पैगाम की, क्योंकि यूपी चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अयोध्या को केंद्र बना लिया है। यहीं से बसपा ने अपना प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया, यहीं से ओवैसी ने अपना चुनावी शंखनाद शुरू किया, यहीं से आम आदमी पार्टी ने भगवान श्री राम का नारा लगाया और बदले में जीत का आशीर्वाद मांगा। राम के धाम से चुनावी पैगाम। अयोध्या से शुरू हुआ महासंग्राम। भगवान राम की नगरी अयोध्या 2022 के महासंग्राम की शुरुआत का सबसे बड़ा धाम बन गई है।
क्योंकि अयोध्या शुरू से भाजपा के एजेंडे में रही है। वहीं बसपा ने अपने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से कर साबित कर दिया कि अयोध्या पर सिर्फ भाजपा का अधिकार नहीं है, भगवान राम सबके हैं। और हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने यूपी मिशन की शुरुआत अयोध्या से ही की थी। हालांकि उनकी नजर मुस्लिम वोट पर थी, लेकिन राजनीति का केंद्र अयोध्या ही था। और अब बात आम आदमी पार्टी की, जिसने अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर ये साबित कर दिया कि यूपी के चुनाव में अयोध्या एक बड़ी भूमिका तय करने जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने जहां अयोध्या से तिरंगा यात्रा के जरिए पैगाम देने की कोशिश की है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से ही की थी। और अब बीजेपी की ओबीसी मोर्चा की जो प्रदेश कार्य समिति है, वो भी अयोध्या में ही होने जा रही है। अयोध्या में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पूरी तरह से भगवान राम की भक्ति में लीन नजर आए। मकसद एकदम साफ था कि हिंदुत्व वोट सिर्फ भाजपा की जागीर नहीं है, लेकिन अयोध्या में मनीष सिसोदिया ने ये कहकर सभी को चौंका दिया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार जो भी कर रही है, वो भगवान श्री राम की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से ही हो रहा है। मैं पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है, वो भगवान श्री राम के कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। लेकिन क्या साधु संत अपना आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को देने के लिए तैयार हैं, या फिर उनके आशीर्वाद पर सिर्फ भाजपा का हक है? ऐसे में मुद्दे की बात यह है कि अयोध्या का वाकई 2022 के चुनाव में गेम चेंजर साबित होने जा रही है। क्या राम मंदिर का निर्माण एक बड़ा फैक्टर साबित होगा, और होगा तो जीत का आशीर्वाद किसे मिलेगा? अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब चलिए बात करते हैं ओवैसी के ओम फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले के जरिए ओवैसी खुद पर मुस्लिम वोट की बारिश कराने का गेम बना रहे। ओवैसी का यूपी चुनाव में सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, लेकिन इसके अंदर धार्मिक जज्बात छुपे हैं, जिससे वोट मिलेंगे पता नहीं, लेकिन घमासान जरूर होगा। ओवैसी का ओम फॉर्मूला, मुसलमानों से ओम का जयकारा लगवाएंगे ओवैसी। अगर किसी नारे से या किसी के जयकारे से जीत मिलती है तो नेता हर नारा लगाने के लिए तैयार है। और अब ओवैसी ओम के नारे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रहे हैं। ये ओवैसी के गेम प्लान का हिस्सा है। दरअसल यूपी के मुसलमानों को सियासी शून्यता यानी मुस्लिम लीडरशिप के अभाव की दुहाई देकर अब अपना रहनुमा चुनने की सियासी सोच पैदा करने की कोशिश में है। वो कई ऐसे मुस्लिम चेहरों को सामने रख कर आम मुसलमानों को जज्बाती तौर पर अपनी पार्टी से जोड़ने की फिराक में हैं, जिनका दूसरी सेकुलर पार्टियों ने अपने फायदे के लिए तो खूब इस्तेमाल किया, लेकिन बुरा वक्त आने पर अब वो उनसे दूरी बनाने में लग गई हैं। ऐसे चर्चित चेहरों को अपने लेफ्ट राइट रख कर ओवैसी मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कराने की तैयारी में है। सुनने में ये भले ही अटपटा लगता हो, लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर इस बार ओम का नारा लगाते हुए दिखाई देंगे। ओम के इस नारे का इजाद खुद असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। ओम यानी ओ ए एम यानी ओवैसी अतीक और मुख्तार। ओवैसी का ये ओम ओवैसी अतीक और मुख्तार से बना हुआ है। जहां अतीक की पत्नी को ओवैसी अपनी पार्टी में शामिल करा चुके हैं, वहीं पार्टी की नजर मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली पर है। असदुद्दीन ओवैसी अपने कट्टर रवैये, भड़काऊ भाषण और साथ ही बाहुबली अतीक अहमद व मुख्तार के ग्लैमरस चेहरे के सहारे वोटों का ध्रुवीकरण कराकर यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी सियासी नैया पार कराना चाहते हैं। लेकिन उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, इस पर दावे के साथ कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। ओम का नारा ओवैसी पर वोटों की बारिश कराएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एक बात साफ है कि ओवैसी सांप्रदायिक पॉलिटिक्स को जरूर बढ़ावा दे रहे हैं। राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। राजनीति का अपराधीकरण की शुरुआत किसने की है, यह
अगर आप इतिहास के पन्ने को खोलोगे तो जो आज राजनीति के अपराधीकरण से बचने की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही राजनीति में अपराधियों को प्रश्रय देने का काम किया है। ओवैसी की नजर यूपी के 19% मुस्लिमों पर है, जिसको ओवैसी खूब खाद पानी दे चुके हैं, लेकिन मुस्लिम वोट ओवैसी के ओम पर एतवार करेगा, ये बड़ा सवाल है। मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए और बात करते हैं राज सिंहासन के राजा योग की। प्रधानमंत्री मोदी राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर बनने वाली यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने मंगलवार को आने वाले हैं, लेकिन तैयारियों में कोई कमी न रहे इसका जायजा लेने के लिए सीएम योगी पूरी तैयारी में जुटे हैं। जानकारों की मानो तो विश्वविद्यालय भविष्य का विश्वविद्यालय है, जो बच्चों के भाग्य को बदलेगा बल्कि देश की शान और मान दोनों बढ़ाएगा। राज सिंहासन का राजा योग, पीएम करेंगे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। अलीगढ़ में नए युग की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि जिन राजा महेंद्र प्रताप ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान दी थी, उनके नाम से अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को राजा के नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। वहीं शिलान्यास में कोई कमी ना हो इसका जायजा लेने खुद सीएम योगी अलीगढ़ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस समय वो मंच पर मौजूद हैं और क्या खाका रहने वाला है, इस पर उन्होंने अधिकारियों से पूरी तरह से कहा जाए सवाल जवाब किए हैं। सीएम योगी ने राजा महेंद्र प्रताप को स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए देश की एकता और अखंडता का सबसे बड़ा नायक बताया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का योगदान 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार का गठन कर दिया था और उसके अध्यक्ष बन गए थे, और उसके आजादी के बाद आजादी यानी देश गुलाम था उस दौरान ब्रज क्षेत्र में शिक्षा के लक्ष्य जगाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। ये बात कम ही लोगों को पता है कि 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में अस्थायी हिंद सरकार की स्थापना की थी। 31 साल 8 महीने तक कई देशों में रहकर उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका था। अब देश के सच्चे नायक को प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी यूनिवर्सिटी के जरिए सम्मान देने जा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में न सिर्फ छात्रों को पढ़ाया जाएगा बल्कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए इस यूनिवर्सिटी का बड़ा योगदान होगा। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।